एम हसन लतीफ़ान योर कम्प्यूटर लेक्चर टोडेट ड्रामिंग वन सी प्लस प्लस हमारा जो आज का सब्जेक्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है जो सब्जेक्ट है वो है हमारे पास सी प्लस प्लस चूँकि आप जानते हैं कि सी प्लस प्लस बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम डिफरेंट एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर में तो डिफरेंट एप्लीकेशन डेस्टॉप अपलिकेशन हो चाहे हमें कोई एप्लीकेशन हो उसको बनाने के लिए हम जो लैंग्वेज चूज़ डिफरेंट लैंग्वेज चूज करते हैं हम उन लैंग्वेज में हमारा जो आपके जो कोर्स का जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है सी प्लस प्लस में हम सी प्लस प्लस को स्टडी करेंगे कि सी प्लस प्लस के बारे में उसका स्ट्रक्चर क्या है उसमें कैसे कोड करते हैं उसके हम कौन सा आई यूज़ करते हैं सब हम इसमें डिस्कस करेंगे बस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है हमारे पास ये जानना जरूरी है कि लैंग्वेज कहते कैसे है सबसे पहले कहते हैं अगर हम सिंपल डेली लाइफ में हम लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं तो लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करते हैं हम कहते हैं लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ ऑफ साउंड रिटन सिम्बल्स विच आर यूज बाई दीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और रिजन फॉर टॉकिंग और राइटिंग जैसे कि आप जानते हैं कि लैंग्वेज बेसिकली एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हमारे पास डिफरेंट साउंड और डिफरेंट सिम्बल्स यूज होते हैं कि जो कि हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं ठीक है हर हर कंट्री में हर रीजन में हर सिटी में हर एरिया में डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की जाती है डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है जिसके जरिए हम आप इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं अब लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास बोलना जरूरी है इसमें हम हम इसमें बोल के भी हम आप इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं हम बाय राइटिंग भी कम्युनिकेट कर सकते हैं हम बाय हेरिंग भी कम्युनिकेट कर सकते हैं हम बाय डिफरेंट बाय यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स भी हम दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इसे हम कहते हैं लैंग्वेज बेसिकली हम अगर लैंग्वेज की बात करें हमारे पास लैंग्वेज में डेली हम लैंग्वेज हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज होती हैं एक को हम कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज एक हम कहते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज अब फॉर्मल लैंग्वेज कौन सी होती हैं कहते हैं कंप्यूटर रिलेटेड लैंग्वेजेस लाइक बेसिक सी सी प्लस प्लस बी बी डॉट नैट जावागाम्पल्स एंड वट आर इन फॉर्मल लैंग्वेज दोज लैंगी आर यूज इन आवर डेली लाइफ फॉर कन्वर्सेशन लाइक इंग्लिश उर्दू पश्चो सेक्टर आर कॉल्ड इन फार्मल लैंग्वेज अगर जैसे मैं क्योंकि हम कंप्यूटर का सब्जेक्ट हमारे पास लैंग्वेज की बात करते हैं तो फार्मल लैंग्वेज हमारे पास वो होती है कि जो कि हम जो चौबीस कंप्यूटर से हमारे पास फार्मल लैंग्वेज खिलाती है और जो हमारे डेली लाइफ में बोलते हैं जो हमारे पास नेशनल लैंग्वेज हैं कि हमारे पास नेटिव लैंग्वेज तमाम लैंग्वेजेस खेलती हैं हमारे पास इनफॉर्मल की कैटेगरी में आती हैं ओके वाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों चाहिए होती हैं जैसे कि आप जानते हैं डैट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनेबल अस टू राइट एफिशेंट प्रोग्राम्स एंड डेवलप ऑनलाइन सोलूशन सच एस मोबाइल एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड गेम्स एक्सेट्रा क्लियर जैसे हम कहते हैं कि बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या काम करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट प्रोग्राम्स को हम डेवलप कर सकते हैं जैसे कि हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन बनानी हो कोई वेब एप्लीकेशन बनानी हो कोई डैस्क एप्लीकेशन अपल्लिकेशन या कोई भी गेम्स बनानी हो उसके लिए हम बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है प्रोग्रामिंग इज़ यूज्ड टू ऑटोमेट मेंटेन असेंबल मेजर एंड इंटरप्रेट द प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रेन फॉर्मेशन जब भी हम किसी भी डेटा को किसी भी इंफॉर्मेशन को हम ऑटोमेट करते हैं उसको बनाते हैं उसको मेंटेन करते हैं मैय करते हैं संबल करते हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं इस तमाम करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग जैसे कि देखिए आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप जब कोई कोड करते हैं कोडिंग करते हैं आप उस कोडिंग को कंपाइल करते हो एग्जीक्यूट करते हो इंटरप्रेट करते हो ये तमाम जो प्रोसेस करते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग नाउ वट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोगिंग लैंग्वेज कहते हैं किससे अब ग्रामिंग लैंग्वेज इज अट ऑफ रिटर्न सिम्बल्स रिटर्न शख्स द कम्प्यूटर हार्डवेयर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क प्रोगिंग लैंग्वेज के बेसिकली ये सेट ऑफ symbols हैं जो computer hardware construction है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किसी भी टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाता है मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए हम एक हार्डवेयर को हम हार्डवेयर को कोड करते हैं कि किसी भी हार्डवेयर कोई भी टास्क को परफॉर्म करना हो तो टास्क को परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म करते हैं इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, कि है किसी भी सेट ऑफ रूल्स से मंदिर तरीकेकार ठीक है अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए आपको उसकी और सेट ऑफ रूल्स को जानना ज़रूरी है वैकुलर जमरत के जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं उसको लर्न करते हैं उसको स्टडी करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे सबसे पहले जानना क्या जरूरी है उसकी ग्रामर को अगर आप उसकी ग्रामर आपको उसकी आएगी तो आपको तरीके तरीक़ेकारेगा कि उसको कैसे यूज़ करते हैं उस अल्फाबेट्स को हम कैसे जोड़ के एक लैंग्वेज का सार लेकर हम उसको बोलते हैं या किसी किसी के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं तो इसी तरह हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए किसी भी हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कम्युनिकेट करके कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आपको एक लैंग्वेज का जाना जरूरी है उस लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है चाहे बेसिक लेते हैं आप सी लेते हैं सी प्लस प्लस लेते हैं बी डॉट नाट लेते हैं जावा लेते हैं शाप लेते हैं कोई भी हमारे थाउजेंड ऑफ लैंग्वेजेज हैं पर हर लैंग्वेज की अपनी सेट अपनी सेटअप रूल अपनी अपनी वैक अपने अपना सेंथिक्स से। है उसको सीखेंगे फिर आप उसमें कोडिंग कर सकते हैं इसमें हम कहते हैं कि सम लैंग्वेज स्पेशली यूज फॉर राइटिंग बिजनेस प्रोग्राम्स एंड सम आर यूज फॉर राइटिंग साइंटिफिक प्रोग्राम्स हर लैंग्वेज डिफरेंट परपजेस के लिए यूज होती है कुछ लैंग्वेज हम बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए यूज़ करते हैं कुछ लैंग्वेज हम साइंटिफिक परपज से डिफरेंट परपजेज के लिए यूज़ करते हैं अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टिपिकली टू टाइप्स हैं एक हमारे पास साथ एक हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज एक को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस अगर हम लो लेवल की लैंग्वेज की बात करते हैं तो वट आर लो लेवल लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्राम ह्यूमन लैंग्वेज एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज इजिली राइटिंग अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्स अ डिप नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर जितने भी हमारे पास दो लेवल लैंग्वेज हैं ठीक है हम कहते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज का ताल्लुक कंप्यूटर हार्डवेयर से बहुत नजदीक तर होता है और इंसानों से बहुत दूर होता है अब इस ये कहने का ये सेंटेंस का मतलब क्या है मतलब जितने भी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज हैं ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो चीज़ों पर डिपेंड करती है इसमें दो डिजिट यूज़ होते हैं ज़ीरो और वन अब जो जीरो वन की कंबिनेशन से हम कोई भी कोडिंग करते हैं तो इसको तो आपका हार्डवेयर अंडरस्टैंड करता है बट इंसान के लिए उसको समझना मुश्किल होता है ठीक है अगर इंसान को उसको सीखना चाहते हैं उसके, उसके उसके पास हार्डवेयर का डीप नॉलेज होना जरूरी है जब तक तो उसके पास कंप्यूटर तो हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है वो उस लो ले, लेवल लैंग्वेज को स्टडी नहीं कर सकता अब लो लेवल लैंग्वेज भी हमारे पास दो टाइप्स हैं एक हमारे पास मशीन लैंग्वेज और एक हमारे पास असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली मशीन लैंग्वेज कॉल लो लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज को ही हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं इट इज़ आल्सो कॉल जीरो वन और बाइनरी लैंग्वेज इसको हम जीरो या वन या बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं अब बाइनरी लैंग्वेज देखें जो बाइनरी का वर्ड है बेसिकली दिस वर्ड दिस दिस वर्ड 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 इज इज गेट फ्रॉम द बाय बाय का मतलब क्या है बाय मीन टू टू क्या है टू हमारे पास दो डिजिट्स हैं डेट इज कॉल्ड जीरो एंड वन बेसिकली जीरो रिप्रेजेंट्स ऑफ स्टेट एंड वन रिप्रेजेंट ऑन स्टेट जो भी लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज है बेसिकली इन दो डिजिट पर ही कंसिस्ट करते हैं जीरो पर ट्रांस जो भी सपोज करेंगे मशीन लैंग्वेज है अगर आप मशीन लैंग्वेज को जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ ना मशीन लैंग्वेज अगर इसको ट्रांसलेट करते हैं आप आप इसको ट्रांसलेट करते हो मशीन uh, लैंग्वेज में तो ये इसका लट्सबूज का वर्ड बनेगा जैसे इसको ये हम कहते हैं ये हमारे पास जीरो अब ये अब मैं आपको कहता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है अब हमारे लिए इसको रीड करना इम्पॉसिबल है इसको अंडरस्टैंड करना इम्पॉसिबल है अब इसको वही अंडरस्टैंड कर सकता है इसको पहले वो ट्रांसलेट करेगा डेसिमल नंबर्स में फिर उससे उसको दूसरे नंबर में ट्रांसलेट करके करने के बाद उससे पता चलेगा कि इस ये जो वर्ड कोड मतलब किया इसका मतलब किया? है इसका मतलब क्या है मशीन लैंग्वेज ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए अब मशीन लैंग्वेज जो ये लिखा हुआ है आपके सामने इसके लिए इंसान हम ह्यूमन इसको बहुत इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको रीड कर सकते हैं बट इसको हम रीड नहीं कर सकते तो ये जो जीरो वन से जो एक बना हुआ ये जो डिजिट बना हुआ ये हमारे पास क्या कहलाते हैं दिस इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज कहते हैं कि देर आर मच एर इट टाइम मच फास्टर देन अदर लैंग्वेज इट नीड्स नो ट्रांसलेटर मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड डिफिकल्टू अंडरस्टैंड सबसे पहले अगर आप मशीन लैंग्वेज में कोई कोडिंग करेंगे तो उसमें एरर्स बहुत ज्यादा एरर के चांसिस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो कंप्लीटली जीरो वन से कम्पोज हुई होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बट य जो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज ये फास्टर दैन अदर लैंग्वेज मसल जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की और लैंग्वेज इससे ज्यादा फास्टर होती है इनके लिए हमें किसी ना किसी किस्म के ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती ट्रांसलेटर उसको कहते हैं कि जो कि ट्रांसलेट करता है मशीन को हाई में हाई को मशीन लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं चूंकि मशीन लैंग्वेज सेल्फ एक मशीन लैंग्वेज है जीरो वन है तो इसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज मतलब टोटली मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है कि जो को सिर्फ और सिर्फ आप एक मशीन पर ही इसको ट्रांसलेट मतलब सिर्फ हार्डवेयर पर इसको आप रन कर सकते हैं बाकी किसी और चीज़ पर आप इसको रन नहीं कर सकते एंड इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सेकेंड हमारे पास असेंबली लैंग्वेज देखिए हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टू टाइप्स हैं लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज बट हम बता रहे हैं आपको जो बता रहा हूँ उनके हम कहते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर टू टाइप्स हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज पर कुछ बुक्स में कहते हैं कि दे आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज

अब लैंग्वेज में क्या है चूंकि हमारी मशीन लैंग्वेज में को अंडस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट है इसलिए इसके बाद हमारे पास दूसरी लैंग्वेज आई मार्केट माइंड को कहते हैं समल लैंग्वेज अब समी लैंग्वेज में क्या हुआ है तो असमिल लैंग्वेज में हमारे पास कुछ न्यूमानिक ऑपरेशन कोड और कुछ सिम्बालिक कोड्स बनाए गए जो कि वन एन जीरो की जगह को हम यूज करते हैं ताकि अपनी आसानी के लिए अन्युमानिक्स कोड कहते हैं हम प्रोनाउंस करते हैं न्यूमोनिक कोड ठीक है एम साइलेंट हो जाते अनुमानिकार्पल इट इज मच इजियर टू रिमर एल फॉर लोड ए फी फॉर ब्रांच ठीक है एन सी फॉर कम्पेयर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जीरो वन लिखो आपके पास एक लैंग्वेज में हम एक कोड डालते हैं एल तो हम आसानी से जान सकते हैं एल का मतलब क्या है लोड ए का मतलब ऐड है बी रिप्रेजेंट करे ब्रांच को सी रिप्रेजेंट करे कंपेयर कर को तो ये बाइनरी लैंग्वेज से थोड़ा सा इजी है उसको अंडरस्टैंड करना उसको समझना उसको असेंबल करना थोड़ा आसान था एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज ठीक है अब इसमें चूंकि इसमें हमारे पास अल्फाबेट्स से यूज हो रहे हैं ना एल है ए बी है सी है अब जो कंप्यूटर है हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर है मशीन लैंग्वेज है ये टोटली टोटली बदल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है अगर इसमें आप एक भी अल्फाबेट डालेंगे तो कंप्यूटर हार्डवेयर को अंडरस्टैंड नहीं करेगा जब वो उससे अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है अब असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेटर हमारे पास यूज होता है उसका नाम क्या है असेंबलर जो कैसा ट्रांसलेटर काम करता है वो इस एल को भी जीरो वन में ट्रांसलेट करके

अब आप हाई लेवल लैंग्वेज को किसी भी कंप्यूटर में किसी भी हार्डवेयर में इसको ईजिली रन कर सकते हैं कुछ चेंजेस करने के बाद फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सी हो गया सी प्लस प्लस बी बी जावा स्मॉल टॉक सी शॉप जितनी भी लैंग्वेज हैं सारे की सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ कि हर वो लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश अल्फाबेट्स मैथमेटिकल सिम्बल्स हमारे पास डिजिट्स का यूज हो रहा हो उन लैंग्वेज को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में हमारे पास सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज यूज हो रही है जिसमें बाइनरी वर्ड यूज जीरो वन आपको ये मशीन लैंग्वेज है और जिस लैंग्वेज में हमारे पास निमोनिक्स कोड यूज़ हो रहे हो तो आप ईजीली कह सकते हैं कि दीज आर दस एक्जाम्पल ऑफ असेंबली लैंग्वेज और जिस लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज मैथमेटिकल सिंबल यूज हो रहे हैं जिसको हम ईजिली रीड कर सकते हैं ईजली असेंबल कर सकते हैं ईजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं कंपाइल कर सकते हैं एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये लैंग्वेज हमारे पास कहलाती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस अब हाई लेवल लैंग्वेज में फर्दर डिवाइड की जाती हैं डिफरेंट कैटेगरीज में जिसमें हम जिसको हम प्रोसीजर लैंग्वेज बोलते हैं

जिसमें प्रोग्राम एक पहले से डिफाइन की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बनाए जाते हैं और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है जिस सीक्वेंस में आपने उसको लिखा होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इन सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अब जैसे हमारे पास ये आपको मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ इसमें ये लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग दी है प्रोसीजर लैंग्वेज के बारे में गिवन है अगर मैं आपको कहता हूँ इसको रीड करें तो आप कैसे एडिट करोगे आप कैसे रिट करोगे ना सबसे पहले आप एडिट करोगे प्रोसीजर स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस

टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट सीक्वेंस में तो इसी तरह हर वो लैंग्वेज जिसमें हम जिसमें हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि जिसको हम जिस इंस्ट्रक्शन को जिस सीक्वेंस में लिखेंगे आपका जो कंपाइल आपको जो ट्रांसलेटर उस इंस्ट्रक्शन को उसी सीक्वेंस से एग्जीक्यूट करेगा तो इस किस्म की लैंग्वेज को बोलते हैं हम क्या दीज आर कॉल्ड प्रोसीजर लैंग्वेज एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस Procedural language specify how something is accomplished, so it requires the programmer to tell the steps in the processing procedures needed to achieve a desired result. Procedural language में हम ये पता है जाते हैं कि आपको किसी भी task को या किसी भी आपको आपको कोई task या जो उसको आपने आपने उसको कैसे accomplish करने हैं. So इसमें कहते हैं इसमें आप हम programmers को programmers इसमें क्या करते हैं computer तो को different steps बताते हैं कि steps को कैसे follow करना है या किसी भी जो कुछ steps बताते हैं. के स्टेप्स को आप कैसे फॉलो करके आप किसी भी टास्क को कैसे बन कंप्लीट कर सकते हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स आते हैं जिसके स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, करते हैं अपने टास्क को या अपने कोड को कम्प्लीट करते हैं जो कॉमन प्रोसीजर लैंग्वेज है उसमें हमारे पास बेसिक है पास्कल एस कबाल है फोटोन ये हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर या स्ट्रक्चर लैंग्वेज के एग्जाम्पल हमारे पास ये दूर हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेज अब बात करते हैं व्हाट आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज अब इसमें हमारे पास एक एक है जिसमें हम <coughs> <सौरे>, <coughs> एक ऐसी जिसमें हम हम ऐसी को लिखते हैं किस, है है किसी ऑब्जेक्ट की बेस के ऊपर ठीक है अच्छा तो हम बात कर थे कि हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग में कैसी टेक्निक जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की बेस के ऊपर ठीक है प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं या प्रोग्राम्स को लिखते हैं किसी ऑब्जेक्ट की बेस के ऊपर अब ऑब्जेक्ट क्या है बेसिकली हम कहते हैं कि हम किसी भी अब जैसे कि हम प्रोसीजर लैंग्वेज दें उसमें हम एक प्रोग्राम को लिखते हैं उसको कंपाइल करके उसके एग्जीक्यूट सिंपल एग्जीक्यूट करते हैं बट अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम किसी भी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं या उसको कंपाइल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की बेसमैन ऑब्जेक्ट हेल्प से हम काम करते हैं अगर मैं आपको उसको रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दूँ देखें जैसे आप एक हमारे पास लेट्स सपोज एक ऑफिस है ऑफिस में अगर एक सिंपल बॉस अगर कोई अपना बिजनेस डेवलप करती है बिजनेस को रन करते हैं तो हमारे पास अगर बॉस है ये एक बंदा है जो ओनर वो अकेला काम कर रहा है तो अकेला काम कर रहा है तो उसकी एग्जाम्पल हमारे पास सिंपल लैंग्वेज की हम कहते हैं प्रोसीजर लैंग्वेज की अब वो बॉस क्या काम करते है उसको बॉस का काम ऐसा ऐसा उसका बिजनेस डेवलप हो गया है उसका आगे बढ़ गया तो क्या करेगा अपने लिए एक असिस्टेंट रखेगा एक मैनेजर या असिस्टेंट रखेगा असिस्टेंट क्या काम करेगा लेट्स अगर वो उससे कोई काम करते हो असिस्टेंट असिटेंट हेड लेकर असिटेंट से अपना काम करते भाई आप ऐसे काम करो वो काम कर दो ये काम कर दो अब जो असिस्टेंट की एग्जाम्पल है अब बॉस जो भी काम करो वो सीट पर बैठ गया ठीक है अब सीट पर बैठ के कोई भी काम लेता है कि लेना चाहता है अपने ऑफिस का कोई भी काम लेना चाहता है तो क्या करेगा अपने असिस्टेंट से कैद से काम लेगा तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टेंटेड एग्जाम्पल भी ऐसे है कि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम वो लैंग्वेज चूज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज़ करते हैं अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में आप कोई भी काम करते हो आप प्रोग्राम को के अंदर किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं उससे अंदर किसी भी पोर्शन को कंपाइल करते हैं एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम उस करते हैं थ्रू विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिए असिस्टेंट जैसी तो ऑब्जेक्ट का काम आसान है कि सिंपल काम आसान है मतलब कि हम अपने लिए हमेशा घरों में शॉप्स में बिजनेस में ऑफिस में हर जगह अपने लिए एक ना असिस्टेंट ताकि हमारा हमारा काम आसान हो सके तो इस तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लैंग्वेज एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें हम अपने ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इससे कहते हैं कहते हैं कलेक्शन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम ऑब्जेक्ट कहते हैं इट इज अ कलेक्शन ठीक है और ऑब्जेक्ट के अगर रियल लाइफ से रिटेड एग्जाम्पल लें तो ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन कोई चीज़ या कोई प्लेस या कोई थिंग कोई भी चीज इस दुनिया में हर एक चीज ऑब्जेक्ट जिसको हम छू सकते हैं वही कि हमारे है, अबज़ित। अबज़ित एक हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो एग्जाम्पल है अगर मैंने जो आपको ये सी प्लस का दूसरा पोर्शन पढ़ाने का मौका मिला तो उसमें आपको डिस्कस कर दूंगा डिटेल के साथ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कैसी होती है इसमें हम कैसे काम करते हैं एनी हाउ सी प्लस प्लस एंड जावा आर द टू मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हैं वट आर नॉन प्रोसीजर लंग्वेज नॉन प्रोसर लैंग्वेज कौन सी होती है इन नॉन प्रोसर लैंग्वेज द यूजर ऑनलीड टूटर वट टू डू नॉट हाउ टू डू नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में हमारे पास क्या कहते हैं कि यूजर कंप्यूटर को यह बताते हैं कि भाई कैसे क्या करना है ये नहीं उसका मकसद कि कैसे करना है बस आप एक इंस्ट्रक्शन किसी को एक इंस्ट्रक्शन में बस ये करो मतलब आपकी हेडक नहीं है कि कैसे करना है बस आप कहते हो तो करो तो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज हमारे पास ऐसी होती है जिसमें फॉर एक्जाम्पल हमारे पास डेटा बेस सिक्योरिटी जनरेट एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोसीजर

अब मैं दोबारा इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो वापस ये मैक्सिमाइज हो जाएगा तो मतलब मैं कोड रन करें अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ये मिनिमाइज ना हो तो मतलब आपके कोड में एरर है आपने कुछ ओड में कुछ गलत की हुई है तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप किसी भी इवेंट को क्लिक करते हैं इवेंट रिस्पॉन्स करते हैं वो की ऐसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं कॉल इवेंट डायमंड लैंग्वेज फॉर एक्जाम्पल जैसे मैंने बताया तो वैन द यूजर राइट क्लिक ऑन द विंडोजा मैन मेन्यू अपीयर्स वैन द यूजर क्लिक इन प्रिंट बटन द फाइल इज प्रिंटेड एक्सेट्रा

डिज़ाइन करते हैं एक एक पिक्चर एक बनाते हैं एक विंडोज जैसे ये बनी हुई है सामने डिजाइनिंग करते हैं जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के बाद हर एक ऑब्जेक्ट के पीछे हम कोड करते हैं और कोड को जब हम रन कर रन तब होगा जब हम उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे वो जब वो क्लिक होगा तो वो लैंग्वेज रिस्पॉन्स करेगी हमें पता चलेगा हमारा कोड रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसी तमाम ऐसी तमाम लैंग्वेज को हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड इवेंट ड्राइव लैंग्वेज मतलब कि वो लैंग्वेज तब रन होती है जब कोई इवेंट जनरेट होता है ठीक है What are natural languages? Natural languages are also known as intelligent languages, and these languages are designed to make the computer smarter. And the trans translator grammars for these languages are very complex and requires a large amount of computer resources. That is why most of the languages are still in experimental phase. अब नेचुरल लैंग्वेज कौन सी है नेचुरल लैंग्वेज को हम एक्सपे इटेलिजेंट लैंग्वेज बोलते हैं मतलब कि जितना भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं एआई में ठीक है एआई में जितनी भी लैंग्वेज बन रही है तमाम लैंग्वेज को बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर को स्मार्टर बनाते हैं जैसे कि देखिए हम आजकल जितना भी रोबोटिक्स पर काम हो रहे हैं आप जितने भी रोबोटिक्स देखें एक ऐसी मशीन कि जिसको आप इतना स्मार्ट बना रहे हैं कि वो कोई भी काम खुद से कर सकती है तो मतलब कि आप एक ऐसी मशीन जिसमें आप सेंस पुट कर रहे हैं जिसमें आप सेंस ऑफ थिंकिंग टुटकलने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो ऐसे तमाम रोबोट्स के पीछे जो लैंग्वेजेज यूज हो रही हैं जिसको हम ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं जो कि हम रोबोटिक्स में, में यूज करते हैं इन तमाम लैंग्वेज को हम नेचुरल लैंग्वेजेस बोलते हैं और ये जितने भी हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज है ये हमारे पास इंटेलिजेंस इंटेलिजी लैंग्वेज हो रही है इनको हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज भी बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन की जो डेट है वो अभी तक डिसाइड नहीं क्योंकि हम इसके आगे हमेशा लिखते हैं कि स्टिल इन प्रोग्रेस मतलब अभी तक कोई भी ऐसी लैंग्वेज आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऐसी नहीं बनी कि जिसमें मुकम्मल सेंस ऑफ थिंकिंग या उसमें कोई सेंस पुट कर दिया जाए जैसे कि हम कह सकते हैं कि इंसान है अगर इंसान जैसे सोच सकता है अगर कंप्यूटर भी ऐसा सोचना शुरू कर दे तो आप उसकी जो मर्ज़ी वो वैसे ही काम करेगा मतलब आप उसको फिर एक किस्म से इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते अब वो आप जो मर्जी आप वो अपना खुद से काम करेगा तो इसलिए हम कहते हैं कि ये लैंग्वेज सारी के सारी हमारे पास स्टिल इन प्रोग्रेस में ये तो हमारे पास टॉपिक था लैंग्वेज और लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया अब हम बात करते हैं ट्रांसलेटर्स के ऊपर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर टोटली मशीन इंडिपेंडेंट है ठीक है कंप्यूटर जितना भी हमारे पास से वह से मशीन लैंग्वेज या बानी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं बट हम इसको अगर हाई लेवल लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसके बीच में एक हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जो कि हमारी जुबान को हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है बानी लैंग्वेज में कंप्यूटर से अंडरस्टैंड करते हैं उसको इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करते हैं और फिर जब दोबारा हमें वो आउटपुट देते हैं तो दोबारा वो ट्रांसलेटर क्या काम करते हैं उस बैनिंग लैंग्वेज को दोबारा ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में ताकि हम उससे अंडरस्टैंड कर सकें ना इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल उस जैसी है कि जैसे आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं जापान जाते हैं चाइना जाते हैं तो हम उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते तो हम क्या करते हैं अपने बीच में एक इंटरप्रेटर हमें चाहिए होता है एक ट्रांसलेटर चाहिए कि हम किसी से बात करें तो वो हमारी बात को हमारी इंग्लिश को या हमारी उर्दू लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है चाइनीज में वो चाइनीज का बंधन ट्राइन करता है जब वो हमें रिप्लाई देते है तो वो ट्रांसलेटर क्या काम करता है दोबारा उस चाइनीज लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में या उर्दू में हमें ट्रांसलेट करके बताते हैं कि भाई उसने क्या रिप्लाई दी ठीक है इस तरह कंप्यूटर में तमाम यही प्रोसेस सेम ऐसे ही चलता है अच्छा जी ट्रांसलेटर्स किससे कहते हैं कहते हैं

इट इज अट्ट विच इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन् टू मशीन लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज इंटू हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है वो ट्रांसलेटर या वो ट्रांसलेटर जो कि सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं या हाई लेवल लैंग्वेज में हाई लेवल को ट्रांसलेट करें दोबारा मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं क्या कंपाइलर कंपाइलर के बारे में कहा जाता है कि इट इज फास्टरप्रिटर बिकॉज इट कंपाइल होर प्रोग्राम एट अ टाइम एनसी प्लस प्लस इज अंपाइल बेस्ड कंपायलर बेस्ड लैंग्वेज कंपाइलर जब भी किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते तो वो होल प्रोग्राम को अगर लेट सपोज ये हमारे पास एक प्रोग्राम है अगर कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करेगा तो ये होल प्रोग्राम को इकट्ठा ट्रांसलेट करेगा जैसे मैंने कुछ सेलेक्ट करके बताया ठीक है खीके? तो जैसे देखे, मैं देखो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो विद इन सेकेंड्स ये सिलेक्ट होकर ट्रांसलेट हो जाएगा क्लियर तो इसलिए कहते हैं कि ये इंटरप्रेटर से फास्टर ट्रांसलेट करते हैं अब इंटरप्रेटर क्या है इट इज ऑल्सो शॉट वो ट्रांसलेटर विच रिस्पांसपल कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इंटू मशीन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की तरह हाई लेवल को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल में पर दोनों में डिफरेंस की है दोनों में डिफरेंस किया है कि इंटरप्रिटर हमारे पास स्लोअर दैन कंपायलर बिकॉज इट ट्रांसलेटर अम लाइन बाई लाइन कंपायलर एज अ होल ट्रांसलेट करता है इसलिए हम कहते हैं फास्टर दैन इंटरप्रिटर इंटरप्रिटर है ये क्या करता है देखो इसे ये ऐसे लाइन बाई लाइन

ओके वट आर सोर्स सोर्साम एंड ऑब्जेक्ट ग्राम किससे कहते हैं सोर्स किससे कहते हैं ऑब्जेक्ट ग्राम किससे कहते हैं सोर्स सोर्साम किसे कहते हैं सोर्सली प्रोग्राम जिसको एक ह्यूमन इंसान एक प्रोग्रामर लिखते हैं अपने कंप्यूटर में टाइप करके लिखते हैं ऐसे प्रोग्राम को बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम जो कि ह्यूमन रिडेबल इंस्ट्रक्शन होती हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम किसे कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज टिपिकली मशीन प्रोग्राम क्रिएटेड बाय कंपाइलिंग अ सोर्स प्रोग्राम जब भी आप एक कोड करेंगे एक प्रोग्राम कंपाइल करते हो लिखते हो कोडिंग करते हैं एक एडिटर में आई डी में क्योंकि हम सी प्लस प्लस में आपको आगे सिखाऊंगा कि जब आप कोडिंग करें तो कोडिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं आई डी या हम उसको बोलते हैं एडिटर बोलते हैं उस सॉफ्टवेयर में जब उस प्रोग्राम को लिखेंगे कोड लिखेंगे तो जो कोडिंग हम अपने हाथों से लिख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं सोम जब आप उसको कंपाइल करेंगे उसको ट्रांसलेट करेंगे ट्रांसलेट करने के बैक एंड में एक फाइल जनरेट होती है जो कि टोटली मशीन रीडेबल इंट, इंस्ट्रक्शन उसको रीडिंग कर सकते हैं वो जो फाइल होती है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ठीक है जो कि सो ग्राम को रन करने के बाद लिख जाती है इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं प्रोग्राम्स Data written in a language other than machine language is called source program and when programs are translated, they are called object programs. And all the modern languages are compiler, interpreter based, and also a platform independent for example, C, C, Sharp, C Java, VBScript, JavaScript, etc. A platform independent, those may many what is a platform independent, a platform dependent platform independent is a both thing. A run on any hardware, a platform is called platform independent for some Windows operating system. हर वो सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम जो कि किसी भी हार्डवेयर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन होते हैं उससे हम कहते हैं प्लेटफार्म इंडिपेंडेंट जैसे विंडो है विंडो आप किसी भी हार्डवेयर में रन कर सकते हैं आप इसको डेल के लैपटॉप में आप एच में आप इसको एप्पल में इसको आप वायो में आप इसको आई बी एफ किसी भी हार्डवेयर में रन करिए विंडोज रन होगी अगर आप बात करते हैं मैक

एंड्रॉड यूज हो रहा है एंड्रॉड को हर कोई अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है हर एक हार्डवेयर में रन होते हैं मगर आप बात करते हैं आई यूएस की एप्पल जो आई फोन मोबाइल हैं आई फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है आई यूएस आई फोन ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिर्फ व सिर्फ एप्पल के मोबाइल स्पेसिफिक हार्डवेयर में रन होता है ना सैमसंग में रन नहीं हो सकता इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते आप इसको नोके में नहीं कर सकते ये सिर्फ सिर्फ एप्पल के अलावा किसी भी इंस्टॉल नहीं हो सकता ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम खिलाते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ठीक है छोटी सी मैंने डिफ्रेंशन दी है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोग्राम किसे कहते हैं जो कि किसी खास सेंटक्स के मुताबिक लिखी जाती है उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं हर और हर लैंग्वेज का अपना सेंटिक्स है सी में कोडिंग करने का अपना तरीक़ा है सी प्लस में कोडिंग करने का अलग तरीक़ा है जवा का अलग तरीक़ा है शिशाप का अलग तरीक़ा है का अलग तरीके का है ठीक है सेंधक्स के वही मुराद हैं मतलब आप एक दफा कोडिंग सीख लो तो मतलब हर एक संदिग्स हर एक रूल्स अलग अलग रूल्स होते हैं इसमें क्या कहते हैं प्रोग्राम्स संदिख्स देखिए मैथ्स में जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं फोर प्लस टू जीको सिक्स ठीक है बार बार आप कहते हो आपको दिस इज रॉन्ग ठीक है ये ट्रू है ये रॉन्ग है तो मतलब मैथ्स में लिखने का संदिग्ध तरीका ये ये तरीके के हल्द हल, इसी तरह लैंग्वेज में भी हर लैंग्वेज में कोड करने का अपने अपने रूल्स हैं इन रूल्स एंड द एबिलिटी टू राइट कॉल्ड एंड वट आर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर किसी भी हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसको रन करने के करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ठीक है तो ये था हमारे पास हमने आज के जो लेक्चर हमारे पास जो वीक वन का जो लेक्चर था इसमें हमने लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होती है प्रोग्राम लैंग्वेज हमने टाइप्स पढ़ी फिर उसमें हमारे पास फर्दर हाई लेवल लैंग्वेज के टाइप्स पढ़ी और मैंने आपको सोर्स ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स के बारे में बताया यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो आप एनी टाइम मुझसे कर सकते हैं आपको आप वही लेक्चर मैं आपके पोर्टल पर भी अपलोड कर रहा हूँ आप पोर्टल में भी जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम